दोस्तों हमारी टीम आ गई है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दिखाए थे एक माता जी के बारे में जो पटना जंक्शन आप देख सकते हैं वहाँ बैठती हैं। उनके पांच बेटे थे, पांचों बेटे नहीं रहे, उस कारण से हमारी टीम ने उनके लिए प्रत्येक महीना 1000 रुपया राशन देने का फैसला किया था। तो आज हमारी टीम टाइम से जो कि आज 4 तारीख है तो हमारी टीम आ गई है और उन्हें फाइनेंशियल मदद करने वहाँ पर माता जी को दिखाइए। पहले आइए दादी जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। कैसी हैं? कैसी हैं? ठीक है। गजारा बुखार बारी तबीयत हालत खराब हो गई। हेलो तबीयत खराब था दादी जी, यहाँ लगा देते हैं, रहने दीजिए। और कैसा चल रहा है ये जो लेके गए थे मशीन? का ये 20 रुपया का ये 25 रुपया जैसी कमाई हो जाती है। हाँ, चाह पानी के हो जाए। दोस्तों आपको इनके बारे में बताए थे, झूठ कैसे बोली बेटा? चाय पानी के हो जाए, चाय पानी का हो जाता है। कुछ इनको मदद हो जाती है, हमारी टीम आई थी, इनको एक मशीन देके गई थी और ये रख देती है और वो आते रख ले रही था चाह पानी के हो जाए ना। मशीन रखती है, रखती है, कमाई मैंने कुछ कुछ हो जाता है, 20-25 हो जाता है, 20-25 हो जाता है ना। भैया भी बता रहे 20-25 हो जाता है। दोस्तों इनके पांच बेटे थे, बिल्कुल नहीं रहे, अकेले हो गई हैं ये। और हमारी टीम को जब पता चला था तो इनके लिए एक मशीन की व्यवस्था किए थे जिनसे उनको कुछ पैसे हो जाए। और हमारी टीम इनके लिए प्रत्येक महीना 1000 रुपया की आर्थिक मदद के लिए बताए गए थे। तो इनके लिए हम प्रत्येक महीने जो भी कुछ भी फाइनेंशियल मदद होती है ज़्यादा से ज़्यादा तो वो हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे प्रत्येक महीना। तो आज तारीख हो गई है, नया महीना आ रहा है, तो हमारी टीम आई है दादी से फिर मिल रहे हैं। दोस्तों बहुत अकेले रहती हैं और यहीं पर रह के अपना गुजारा करती हैं और कहीं ये जाती नहीं है क्योंकि यहीं पे इनका लोग मदद करते हैं। और दादी जी कैसी थी आप इतना दिन से? आए होली में कैसी थी आप? ये हाली यही रहती हैं? हाँ यही था। ये दादी जी आपके साथ ये घर आती वही टमा वही टमा अच्छा झोला वाला उठा के लाती हैं। इनको चलने में भी दिक्कत है तो ये दीदी हो गई, ये भैया हो गए, भैया को दिखा दीजिए। कभी कभी ये लोग मदद सब पहुँचा दहली आवा है, लोग मदद कर देते हैं, पहुँचा देते हैं। तो हमारी टीम की कोशिश यही है कि इनकी कुछ हेल्प हो जाए जिनसे कि इन्हें कुछ इनके लिए कुछ फाइनेंशियल मदद हो जाए, इनको कुछ राहत मिले। और हम लोग आप लोग से भी कहेंगे पटना जंक्शन के पीछे करुगैया जंक्शन के पास ये रहती हैं, प्रत्येक दिन रहती है ना माता जी, आप लोग जब भी आएंगी ये मिल जाएंगी और जरूर करें इनके पास आए। आप लोग को भी कुछ हेल्प करना है तो इनकी हेल्प जरूर करें माता जी। बस आपसे मिलने आ जाते हैं आपके लिए। अच्छा बेटा बड़ी धर्म कार्य था बेटा, हमारा बेटे है तू, हमारे बेटे है तू, आपके बेटे की तरह है आपके लिए। हाँ। हमेशा हम लोग हमेशा प्रत्येक महीने आपके पास आएंगे। हाँ। और जो जो कुछ भी मदद होगी पैसे की वो करके जाएंगे, फाइनेंशियल मदद। और लोगों से भी हमेशा वीडियो में अपील करते हैं अगर कोई आके आपकी मदद करना चाहे तो कर सकते हैं। बस दोस्तों बहुत जरूरतमंद इंसान है, आप लोग भी मदद कीजिए। दादी जी यहीं से गुजारा करती हैं, क्या करें, 20-50 कमाती होंगी, कितना कमाती होंगी? हाँ ताऊ का चाय पानी के दाम, दूसरा कोई खाना दे के जाए। हाँ दादी जी बताई थी खाना कोई दे के जाए, खाना दे जाए। हाँ। खाना इनको दे जाते हैं, अच्छा सुबह से बासी मुँह है, कुछ खाइए दादी जी, जूस वूस पीजिएगा ना, बिस्कुट हम खाइबे ना कर, जूस जूस पीजिएगा दादी जी, पिया दादा जी, दादी जी लीजिए पीजिए पीजिए। सुबह से कुछ नहीं खाए थे दोस्तों, आप देख सकते हैं, दोस्तों आप देख सकते थे सुबह से कुछ खाई नहीं थी और दिन भर बैठी रहती हैं। कैसा लगा दादी जी, कैसा लगा? ठीक है, ठीक लगा, चलिए ठीक है। खाना आई लो, खाना आया दादी जी का, खाना आ गया दोस्तों, आप देखें दादी जी का खाना आ गया। और ये लीजिए दादी जी, हाँ ये रुपए आपके, ठीक है आशीर्वाद दीजिए।
खुश रह बेटा, हमारे नियन बूढ़ा हो यह बेटा, तोहनिया हमारा बाल बच्चा हो गया बेटा। बस आशीर्वाद दीजिए, आप पते में आएंगे ऐसा ही आपको जो नहीं भी हेल्प होगी करके जाएंगे, ठीक है। अकेली है, सब लोग जानते हैं अकेली है और उनका कोई नहीं है, कोई नहीं है, डेली बैठी रहती है। इनके लिए हमारी टीम की तरफ से पते मैंने 1000 रुपया की आर्थिक मदद की, तो हम लोग हमेशा एक महीने महीने आके इनको 1000 रुपया दे के जा रहे हैं। ठीक है, इसका कोई नहीं है, कोई नहीं, ये जो अपना रहता है, ये पता है, ये बेचता है, तो में जो तो आता है चुरा के मार्केट में, चुरा के भी चल जाते हैं, चोरी करके भी चल जाते हैं, चुरा लेता पैसे भी। दादी जी पैसे भी चुरा लेते क्या आपके यहाँ? झोली एक तो ले भाग ले, झोली रखते है, ये हलिया से उठा के ले, पैसे भी चुरा के चल जाते हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे वीडियो इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, जिससे दादी जी की और ज्यादा हेल्प हो। और जो लोग आप लोग भी हेल्प करना चाहते हैं, पटना जंक्शन के पीछे ये बैठती हैं और यहीं रहती हैं सुबह से शाम तक, तो आप लोग भी अगर हेल्प करना चाहते हैं इनके पास आइए और इनकी हेल्प जरूर करें। बस दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी नए काम के संग। मैं सौरभ कुमार।